नमस्कार, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं टीवी 9 बिहार झारखंड। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, बिहार में आरजेडी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। नीतीश कुमार के जाने के बाद से अब तक 4 विधायक तेजस्वी का साथ छोड़ चुके हैं। कल एक और झटका आरजेडी को लगा है। राजद सुप्रीमो के काफी करीब रहे सिवान के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन का परिवार अब आरजेडी से अलग चुनाव लड़ने जा रहा है और यह घोषणा खुद मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हीना शहाब ने की है। सिवान के बाहुबली नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन, जिनका निधन कोरोना के दौरान हो गया था, उनका बेटा उसामा शहाब भी पॉलिटिक्स में है और वो भी निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, ऐसा हीना शहाब ने ऐलान किया है। हीना शहाब स्टेशन रोड में रविवार को एक कार्यक्रम में पहुंची थी। यही उन्होंने बयान दिया, कहा कि उन्हें आरजेडी से पहले भी कोई नाराजगी नहीं थी, आज भी नहीं है। कहा कि सिवान से वह खुद या उनके बेटे उसामा शहाब निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। हीना के इस बयान ने महागठबंधन और उनके समर्थकों को चौंका दिया है। ऐसा माना जाता है कि सिवान आरजेडी के लिए एक मजबूत गढ़ है और यदि बिहार में तेजस्वी का कद वाकई बढ़ा है तो जीतने वाली सीटों में सिवान का नाम जरूर होगा, क्योंकि शहाबुद्दीन यहां से कई बार सांसद रह चुके हैं। ये बात अलग है कि उनकी पत्नी इस सीट पर लगातार 3 बार से चुनाव हार रही है। इस हार के पीछे एक तो पीएम मोदी की लहर, जो 2014 और 2019 में साफ दिखी, वो तो थी ही। दूसरा फैक्टर यह भी था कि सिवान के बाहुबली शहाबुद्दीन जेल में थे। उनको 2004 में हुए दोहरे हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा हुई थी, तिहाड़ जेल में कैद थे। अप्रैल 2021 में जेल में ही उनको कोरोना हो गया और फिर अस्पताल में उनकी मौत हो गई। उनके बेटे उसामा की बात करें तो वह भी इसी साल जनवरी में कई महीने जेल की सजा काटकर हाईकोर्ट से जमानत मिलने पर बाहर आया है। उसके ऊपर भी रंगदारी और जमीन पर कब्जे आदि के आरोप हैं। फिलहाल उसामा की मां हीना ने कहा कि आज भी उनके संपर्क में सभी दल के लोग हैं। उन्होंने कहा कि सिवान का पूरा परिवार उनका परिवार है, चाहे जदयू हो, आरजेडी हो या कोई भी दल हो, आज भी सबसे उनका संबंध ठीक है। सभी लोग साहब के बहुत करीब रहे हैं। फिलहाल हीना के इस बयान से कि उनका बेटा भी चुनाव लड़ सकता है, वो भी निर्दलीय, इसने जरूर लोगों को चौंकाया है। यदि आरजेडी इस सीट पर अलग प्रत्याशी उतारती है तो बहुत चांस है कि दोनों की हार होगी। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताएं। बिहार की सभी जरूरी खबरों के लिए बने रहिए टीवी 9 बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।